मैगी, एक तो मैगी ना डिस्ट्रैक्ट की तरह है, सब बना लेते और सबको लगता उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। खेल बना रखा है। लेकिन सही में ओल्ड मॉन्क की चूची मैगी बियर, मिठ मीठी मिठाई, मोट आइसक्रीम ओरियो मैगी। पहले नंबर पे आ रहा स्टीवन हॉकिंग का 14 मैगी मिल्क शेक। मैगी का मिल्क शेक भी होता है क्या? मैं पहली बार सुना है। इतना Hi everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ कैरी मिनाटी के न्यू वीडियो पे। बहुत टाइम के बाद कैरी मिनाटी ने एक नया वीडियो डाल ही दिया अपने चैनल पे। एंड जैसा कि उन्होंने कहा था कि अब एक महीने, छः महीने, सात महीने पे वीडियो नहीं आएगी, अब मैं थोड़ा सा रेगुलर करने की कोशिश करूंगा। तो वो अपने वादे के हिसाब से ला रहे वीडियो, जैसा कि उन्होंने बोला था कि अब एक रोस्ट वीडियो आने वाली है, उसके बाद एक दूसरे टाइप की वीडियो आएगी जिसमें कि वो कुछ ग्राफिक्स वगैरह कुछ ऐसे ऐड करेंगे, दिखाएंगे अपने कुछ कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट और कुछ भी ऐसे कुछ बनाएंगे कहानी, तो ऐसा कोई वीडियो आने वाला होगा। तो नेक्स्ट आएगा वो, अभी फिलहाल से एक रोस्ट आया है एंड ये रोस्ट है इंडियन फूड का रोस्ट। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन फूड मैजिक बाय कैरी मिनाटी। तो इंडियन फूड ने ऐसा क्या मैजिक कर दिया है, देखते हैं चल के वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, कैसे इन्होंने इंडियन फूड को रोस्ट किया है। तो इंसानों से हटकर अब चीज़ों को रोस्ट करने पे आ गए हैं अभी कैरी मिनाटी, क्योंकि इंसानों को रोस्ट करना आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि लोग डिश निकालने लग जाते हैं फट से एंड खुद तो फेमस भी हो जाते हैं। कैरी मिनाटी का नाम पकड़ पकड़ के लोग फेमस हो जा रहे हैं। तो जो भी है, तो चलिए मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद बताऊंगी मैं कि कैसा लगा वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए सारी बातें जानने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट द वीडियो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर एज यूजुअल, डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ेगा। आप लोग भोजन के आविष्कार रुक नहीं रहे हैं। पिज्जा बर्गर तक ठीक था, लेकिन जब से ये मैगी, एक तो मैगी ना डिस्ट्रैक्ट की तरह है, सब बना लेते और सबको लगता उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। खाने का खेल बना रखा है, लेकिन उसकी सीमा होती है। आज हम उसी सीमा का इम्तिहान लेने वाले हैं। तो आओ यार, पालक पनीर को सलाम ठोकते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब एक सफाई कर्मचारी हलवाई को पकौड़े तलते देख बोला, साथ दो चार दे दो, मेरे बच्चे को पोलियो है। मगर उसको क्या पता था पकोड़े के अंदर पोलियो है। ये खाने के नियम नहीं तोड़ रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाला कहता है ये पेन बेच के दिखाओ तब मानूंगा। अबे तू ये बेच के दिखा तब तुझे मानेंगे। अब चलते हैं उस पकवान पे जिसकी पिचकारी मारना एक कला है। कौन सा पकवान है वो? पलंग तोड़ पाक भी है, सुहागरात वाला भी है। पलंग तोड़ भी है, सुहागरात वाला भी है। और कमर के दर्द वाला भी है, सीने में जलन का भी है, सेम जलन का भी है, सीने में जंग पंडित खाने। यार ये भी कोई बताने की बात है? सोचो तुम दुकान पे जाओ और बोलो खा रहे हम यहाँ पे पान। लंडे ले ले, कुछ पानों को अपने पास ही रखना चाहिए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आवाज रहो, बोलो कूदो और जिंदगी के मोटिवेशनल पान। 20 का पान, 30 की मोटिवेशन। सोचो संदीप महेश्वरी थी मोटिवेटर, पान खाते हुए मोटिवेशन दे रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं स्टार्टअप खोलो बे मट्ठी चोर, हम करेंगे इन्वेस्ट, बैठे बैठे इंटरनेट कुछ नहीं होगा। संदीप महेश्वरी को भी नहीं छोड़े। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास मिसाइल, और हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा मोमो। मेरा नासा से सवाल है कि ये जो मोमो के नाम पे नेपाली पराठा बना दिया है, ये विशाल चाइनीज पकवान मुंह में कैसे जाएगा? सही होने मुंह में कैसे जाएगा? मैदा खाने की आपको जरूरत नहीं है, मैदा को आप छोड़ दीजिए। अंदर आपको मिलेगा हाका नूडल है, चेजन राइस है, मंचूरियन है और चिली पनीर है। अबे आप इसका छिलका ही उतार दिया, तो काय बात का मोमो? मोमो के नाम पे चाइनीज खिचड़ी खिला रहे हैं। कल को अपनी साइकिल पे प्लेन के पहिए लगा के ये है इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा। इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा गोल ही नहीं है, और इसे खाना है कि जलाना है? चाट से ज्यादा पटाखा लग रहा है भाई। मुंह में कैसे लिया जाएगा इसको? जाएंगा। बड़े बूढ़े कह गए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करो। नहीं, जरूरी नहीं है, मेरे पास गुब्बारा है, गाड़ी के टायर में हवा भर दूं, मेरे पास चड्डी है, पैराशूट बना दूं, मेरे पास चश्मा है, चांद दिखा दूं। जाएंगा जाएंगा बोल बोल के मिल्टन की बोतल दे दे मुंह में। अब चलते हैं उस लोकप्रिय पकवान पे जिसे बनाने के लिए एक बावर्ची नहीं साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए। मैगी। मैगी बनानी उतनी मुश्किल है जितना अंबानी के बेटे को काम मिलना। मैगी एक मैदान की तरह है, चाहे मैं बहुत कुछ खेल सकता हूं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लेकिन जिस दिन
उस मैदान पे मैंने तैरना चालू कर दिया, उस दिन कांड मेरी शानी हो गई, झाट मेरे नोबल हो गए, अपनी नजर में तो मैं साइंटिस्ट हो गया। आओ तुम्हें कुछ साइंस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। चौधरी की कुल्फी मैगी, राजेश की माँ के मैगी पकोड़े, राजेश के बाप के मैगी लड्डू, ओल्ड मॉन्क की चूची मैगी बियर, मिठ मीठी मिठाई मोट आइसक्रीम ओरियो मैगी, स्टीवन हॉकिंग का 14 मैगी मिल्क शेक। मैगी का मिल्क शेक भी होता है क्या? मैं पहली बार सुना है। इतना बड़ा रिएक्शन तो ऐसे दे रहे जैसे सामने से मैगी नहीं खली आ रहा है। ओहो, अरे बाप रे, इतना बड़ा। 3, 2, 1 स्टार्ट। भगवान, कैसे इन्होंने शुरू किया? मिल्क शेक कोई ऐसे थोड़ी ना खाता। ये हरकतें तुम्हें साइंटिस्ट से यूरिनर बना देती हैं। प्रकृति को धोखा दिया जा रहा है, मिल्क शेक को हाथों से खा जा रहा है। आज से खाने को पी जाओ, पीने को खा जाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, धिनचक पूजा को और लिरिक्स मत दो। अब मुझे तुम्हें एक और साइंटिस्ट से मिलवाना है, लेकिन ये मैटर मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है। कॉम्प्लिकेटेड मैगी, बड़ा मैगी, ब्रेकअप मैगी, मैरिड मैगी, कॉम्प्लिकेटेड। 60 रुपए की प्लेट है ये कैरी मिनाटी मैगी। कैरी मिनाटी मैगी भी आ गया। डायमंड प्ले बटन के आगे क्या रिप हो गया? अगर मैं इस दुकान के साइड में खड़ा होकर अपना शरीर बेचना चालू कर दूं तो 120 से ज्यादा मांग नहीं सकता, क्योंकि एवरेज तो 60 रुपए चल रहा है। ये डाल दिए भाई मिर्ची तो भाई। कैरी मिनाटी मैगी नाम कैसे पड़ा? कैरी मिनाटी की वीडियो देख के तन बदन में आग के तन बदन में आग लग जाती है, इसलिए मिर्ची डाल दी। तो भैया जी, सनी लियोनी मैगी में क्या डालते हो? हाँ यार, बच्चन जी नहीं। अब यहाँ लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी है जो है कितनी ही कोशिश कर लो फैलती नहीं। उस सर्वनाशक बीमारी का नाम है हाइजीन। चावल से मुंह धोया जा रहा है। ये चाचा चौधरी के वंशज इतने चलाक है, इन्हें लगता है चम्मच सिर्फ खाना मंगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं ये। जब तक कढ़ाई चिकन मेरी आंखों में ना घुसाओ और नान पे लगा मक्खन मेरी कोहनी से ना टपक रहा हो, तब तक मजे ही नहीं आते। भगवान, इन लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, मैंने देखा है। बीन सूर का बच्चा हाथी जितना खा रहा है उससे ज्यादा गिरा रहा है। उसे बोर्ड के इतने पैर नहीं चलते जितना तेज इनका मुंह चलता है। ये फूड चैलेंज नहीं, कुदरत को चैलेंज है। कुदरत को चैलेंज कर बोल के एक दिन जूता मत खा जाइयो। अबे इनमें कौन चाबी भर जाता है? एक तो 2 सेकंड रुकते भी नहीं है, भोसड़ी का अगर निकलना चालू कर देंगे। हर नाई को ना ऐसा लौंडा अपने साथ रखना चाहिए कि कभी डीप कटिंग करनी पड़ी तो। अब हट गंदा। ऐसी मुंह की खूबसूरती देखने के बाद मन कर रहा कैरी मिनाटी मैगी में जहर खोल के खा जाऊं, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बेहतर हथियार पहले से बन रखा है। देखो भाई, ए क्या है, बाल्टी में घोल के रखा है। पूरा मसाला बना रहे भैया साहब। ये कर लेते हैं पहले, बर्फ पे गांड रगड़ के आइस गोला बेचा जा रहा है, नमकीन पकोड़े में पसीना इस्तेमाल किया जा रहा है और मसालेदार पानी को हाथों से बनाया जा रहा है। अबे हक दोना खाने पे कम से कम खतरा दिखाई तो देगा। ये पानी पी के दिखा दो, पेट में से ऐसा केचुआ निकलेगा डॉक्टर भी बोलेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा। बस बस बस, ऐसे एक और बकचोदी देख ली तो सबके सब उल्टी मारते फिरोगे। अगर तुम लोग चाहते हो ऐसी खाने की बकचोदी पे और वीडियोस बनाई जाए तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोल गप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और याद रहे ये वीडियो मजाक है, बकचोदी है, तो जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उन्हें हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी उंगलियां काबू में रखो। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बर्फ पे अपना मुंह रगड़ना है। बाय मोहित। अबे यार बिग बॉस खत्म हो गया, अब 1 महीना लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। हाँ, लॉकअप चालू हो गया, बिग बॉस खत्म। हेलो, सनी पाजी बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हो? मैं इलोन मस्क का छोटा बोल रहा हूँ, आपको हमारे मंगल ग्रह प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ओ वाओ, कब बिठा रहे हो रॉकेट में? उससे पहले हमें आपका IQ टेस्ट लेना होगा। बहुत लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड का CVV याद नहीं रहता,
क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, 753। ओके, OTP आया होगा। हाँ 4183। शुक्रिया सनी पाजी, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। ओए बॉबी, मैं मंगल ओटीपी सब बता दिया। रखना ये अमेज़न से 4 लाख की शॉपिंग किसने की है? पापा मेरी कान ले लेंगे। और ये इलॉन मस्क के चौधर ने मुझे लूट लिया। ओह गॉड, कैरी मिनाटी। जैसा कि सब लोग बोल रहे थे, ओल्ड कैरी मिनाटी इज बैक हो गए हैं वो, मतलब कि बैक हो गए, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, मतलब कि पुराने कैरी मिनाटी वापस आ गए हैं अपने पुराने अंदाज में। एंड अब वो पुराने अंदाज में ये वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे लोग उनको बोल रहे थे कि भाई मजा नहीं आ रहा वीडियोस में, काफी ज्यादा हाई लेवल के वीडियोस हो गए आपके और हम लोगों को समझ में नहीं, प्रॉब्लम होती है, मजा नहीं आता है वीडियो में, हंसी नहीं आती है क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं। सर के ऊपर से गुजरने वाली वीडियोस बनाओगे तो मतलब कैरी मिनाटी की नॉलेज काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से वीडियो बना रहे थे। लेकिन अभी वो थोड़े से नॉर्मल पर्सन लोगों के हिसाब से वीडियोस बना रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है उनके वीडियोस में। एंड अभी कुछ ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ओल्ड कैरी इज़ बैक टू बैक, बट मतलब बैक टू बैक मतलब कि आए तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा वो पिछला वाला भी है कि मतलब थोड़ा सा नॉलेजिएबल भी चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नॉलेज लेस था वीडियो, नॉलेजफुल था वीडियो, उसमें भी कुछ बातें थी। ये जो लास्ट वाला जो दिखाया है ना, ये जो गबर खा रहे थे जो खाली, इनका मैंने एक YouTube चैनल देखा है, सिर्फ खाने का चैनल बनाते हैं, इतना खाना खाते हैं, इतना ले लेके, मैं ये सोचती हूँ कि कैसे वो लोग बिना चबाए, क्योंकि एक रूल होता है ना खाने का कि आप पहले चबाओ। दांत किस लिए दिए गए हैं यार? चबाने के लिए कि चबाओ खाना ताकि अच्छे से बॉडी को ज़्यादा वो ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े उसको पचाने में या फिर कुछ। कैसे ये लोग करते हैं यार, मैं समझ नहीं पाती थी कैसे वो खाए जा रहा था इतना ज़्यादा स्पीड में, ऊपर से टाइमर सेट करके ये लोग खाते हैं। गॉड नोज ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं ऐसा, ऐसी हरकतें। एंड इनके चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, लोग देखते हैं यार, लोग कैसे देख भी लेते हैं ऐसा। मैं तो एकदम से उल्टी जैसा हो रहा था मेरा जब मैं देख रही थी ऐसी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे तो काफ़ी इंजॉयफुल लगा वीडियो, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं तो बीच में इतना हंस रही थी कहीं कहीं पर, तो इतना ज़्यादा मतलब अजीब तरीके का रोस्ट था कि क्या बताएं। तो चलिए लोगों से हटके अब कैरी मिनाटी चीज़ों को रोस्ट करने लगे हैं, तो इस तरह से चीज़ों के भी मतलब फनी पार्ट्स हमें सामने देखने को मिलेंगे, चीज़ों के भी फनी पार्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं नियर फ्यूचर में। तो चलिए मैं इस वीडियो को अभी यही एंड करूंगी। आई होप कि आपने मेरा रिएक्शन इन्जॉय किया होगा इस वीडियो के ऊपर एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।